हेलो बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं सर्कल्स, जो क्लास टेंथ के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्लास सेवेंथ में भी आप जाओगे तो हेल्प करेगा। यहाँ जो हम लोग सीखेंगे सर्कल के बारे में, वो बहुत सारे एग्जाम में हेल्पफुल है, इसलिए इसको आपको ध्यान से देखना चाहिए। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। कोई भी सर्कल हो, हम लोग के पास अगर एक लाइन ऐसा पास करता है जो दो पॉइंट पे मीट करता होगा, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं सीकेंट, या फिर एक ऐसा लाइन जो एक पॉइंट पे पास करता हो, एक पॉइंट पे पास करता हो सर्कल के साथ, इसको बोलते हैं टैंजेंट। सीकेंट में क्या है कि एक कॉर्ड हो गया, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये दो इक्वल लेंथ में डिवाइड होगा। यहां पर अगर हम लोग रेडियस को ज्वाइन करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी से, तो ये परपेंडिकुलर होता है। ऑलवेज टेंजेंट पे रेडियस ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के साथ। और क्या प्रॉपर्टीज है? कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। मान लो कि पॉइंट पी है, यहां से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसा, एक टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसा, दिस इज द सेंटर ओ। तो यहां से जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा ए, और यहां से मैं लाइन ड्रॉ करूंगा बी, ये परपेंडिकुलर होगा, ये रेडियस होगा। ये जो लेंथ होगा टेंजेंट का हमेशा इक्वल होगा, मतलब पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा। और अगर मैं इसको ज्वाइन करा दूं बीच से, तो ये एंगल दोनों इक्वल होते हैं, बिल्कुल दो आइडेंटिकल फिगर बन रहे हैं हमारे पास, बिल्कुल एक जैसे होते हैं। अगर ये थीटा लूंगा तो ये भी थीटा लेना पड़ेगा, अगर ये मैं अल्फा लूंगा तो ये भी अल्फा लेना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों और ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ए ओ पी, ट्राइंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी ओ बी, ऐसा बोल सकते हैं, है ना, पी ओ बी कॉमन है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को ध्यान में रख के हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, मेरे पास एक सर्कल है और टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन लाइक दिस, हमारे को रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, ये ओ हो गया, ये पी हो गया, ये ए हो गया, ये गिवन है 10 सेंटीमीटर और बोला गया है फाइंड पी ओ। ये तो बहुत ही आसान हो गया बच्चों, फाइंड पी ओ बोल रहा है, तो हमें तो मालूम है ये जो रेडियस होगा टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाएगा। तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं, पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या मिलेगा, ओपी का स्क्वायर एओ का स्क्वायर प्लस पीए का स्क्वायर, सो एओ इज 25, पीए इज 10 का स्क्वायर, तो 100 हो गया। तो ओपी जो मुझे मिलेगा अंडर रूट ऑफ 125 मिलेगा, यानी कि 15 सेंटीमीटर मिलेगा, सॉरी 5 रूट 5 सेंटीमीटर मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो हमको पीए मिल गया। अगर बोला जाएगा फाइंड द एंगल बिटवीन दिस, फाइंड द एंगल, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, हम यहां पे लिख सकते हैं टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, सो टैन थीटा हाफ मिल जाएगा हमारे को, ठीक है। तो वी कैन डू लॉट मेनी थिंग्स, इसको आप नोट कर लो, फिर आगे हम लोग और भी क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अब बच्चों यहां बोला गया है इफ रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, then find the length of each chord of one circle which is tangent to the other circle। मतलब एक छोटा सर्कल होगा कॉन्सेंट्रिक, एक बड़ा सर्कल होगा,
छोटे का रेडियस है 4 सेंटीमीटर, बड़े का रेडियस है 5 सेंटीमीटर। हमें बीसी का लेंथ चाहिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ये 5 ये 4, तो पाइथागोरस लगा लेंगे तो ये 3 आ जाएगा। अब बड़े वाले के लिए तो ये कॉर्ड है ना, सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे तो 50-50 डिवाइड होगा, यानी कि ये भी 3 होना चाहिए, तो 3+3 बीसी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। देखो कितना इजी है, सुपर इजी। दूसरा हमारे को डायग्राम गिवन है, ध्यान से देखो बच्चों डायग्राम। बोला गया PA एक टेंजेंट है, PA और PB दो टेंजेंट है, तो PA की लेंथ गिवन है 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD। बच्चों पेरीमीटर तो याद ही होगा, ट्रायंगल PCD, पेरीमीटर मींस टोटल लेंथ ऑफ द ट्रायंगल। तो क्या करें, थोड़ा सा खोपड़ी चलाओ, थोड़ा सा दिमाग चलाओ कि क्या करना चाहिए, वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई करना चाहिए। तो जो पेरीमीटर मैं लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, पीसी प्लस सीडी प्लस डीपी, पीसी प्लस सीडी प्लस डीपी, पीसी। अब मैं सीडी को लिख सकता हूं सीक्यू प्लस क्यूडी, सीक्यू प्लस क्यूडी। अब यह भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से भी दो टेंजेंट है CA और CQ, तो CQ को मैं CA लिख सकता हूं, CQ को मैं CA लिख सकता हूं, QD को मैं DB लिख सकता हूं, ये DB हो गया और ये PC है, PC प्लस CA मिल गया, ये तो 15 है ही, पूरा का पूरा 15 है। दूसरा क्या होगा, DB प्लस DP, ये भी 15 है, तो 15 प्लस 15 टोटल 30 सेंटीमीटर हो गया, है ना, सुपर इजी है, इसको नोट कर लो बच्चों। हाँ बच्चों, यहां देखो 4 क्वेश्चन है जो कभी ना कभी बोर्ड में आ चुके हैं, और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको कॉन्सेप्ट देंगे, कॉन्सेप्ट समझाएंगे। यहां पर क्या गिवन है, एक सर्कल है, दो टेंजेंट है PA और PB, और एक एंगल गिवन है PAB 50 डिग्री है। हमारे को बोला गया फाइंड एंगल AOB, AOB फाइंड करने को बोला गया। तो बच्चों हमारे को मालूम है कि रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो टोटल 90 डिग्री होगा, ये 50 है तो ये 40 डिग्री हो जाएगा। इजी है, सबको लग रहा है सर तो बड़ा इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, इजी से ही समझ में आना चाहिए, बातें की समझ में आनी चाहिए। अब देखो इस ट्रायंगल में ये भी तो रेडियस है, दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, तो इनके अपोजिट वाले एंगल्स भी तो इक्वल होंगे, अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। अब टोटल सम ऑफ ए ट्रायंगल, टोटल सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180, तो 180 में से 40 40 80 तो यही मिल गया, यानी कि दिस मस्ट बी 100। देखो कितना इजीली आ गया, ए ओ बी 100 डिग्री, मैं डायग्राम में लिख दिया है, यहां तक आने की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो आपके लिए भी इजी होगा बच्चों। सर्कल्स इज इंटरेस्टिंग, आपको मजा भी आएगा और इजी भी लगेगा। अब इसकी बात करते हैं, दो टेंजेंट है और एंगल क्यू पी आर गिवन 120 डिग्री, तो हमको मालूम है बच्चों कि अगर मैं इसको इससे मीट करा दूं सेंटर से, तो बिल्कुल 50-50 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इधर भी 60 और इधर भी 60, और ये है रेडियस। मुझे चाहिए PQ और PO का रिलेशन, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ट्रायंगल, ट्रायंगल PQO, तो PQ हो गया बेस, PO हो गया हाइपोटेनस, तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन क्या होता है, cos ऑफ 60 PQ बाय PO, cos 60 होता है हाफ,
जो बेगिनर्स बच्चे होंगे उनको ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, ट्रिग्नोमेट्री शायद उनको नहीं पता हो, लेकिन जिनको पता है उनके लिए बहुत इजी है, लॉलीपॉप है ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये भी आ चुका है सीबीएसई 2016 में। यहां पे तीन टैंजेंट हो गए, एसी, एबी और बीसी, ये तीनों टैंजेंट मिलकर एक ट्रायंगल बना रहे और बीच में सर्कल है हमारे पास। तो बोला गया टोटल, ये टोटल हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। तो यहां पर अगर मैं बीबी एक्स ले लूं तो एडी मिल जाएगा 12 माइनस एक्स, है इजी है बच्चों, ये भी लॉलीपॉप की तरह ही है, आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये एक्स है, ये 12 माइनस एक्स है, जब ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल, दिस वाला दिस वाला। अगर मैं ये वाई ले लूं तो ये भी वाई लेना पड़ेगा मुझे, और एसी एसी 10 है, 10 में से वाई हटा दूं तो ये 10 माइनस वाई बनेगा। अब मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इज अनदर एक्सटर्नल पॉइंट, यहां से ए एफ इज इक्वल टू एफ डी भी मैं लिख सकता हूं, है ना, क्या लिख सकता हूं, ए एफ इज इक्वल टू ए डी, ए एफ है 10 माइनस वाई, ए डी है 12 माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है बच्चों, एक्स माइनस वाई मुझे मिल गया 10। बीसी कह रहा है 1 सेंटीमीटर है बीसी, बीसी क्या है, एक्स प्लस वाई है, तो मैं लिखूंगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 9, x 9 यहां डाल देते हैं, सॉरी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, रियली सॉरी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मुझे मिलेगा 10, तो एक्स की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 5, एक्स के 5 वैल्यू 5 यहां डालूंगा तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 3। अब यहां से कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, हमारे को फाइंड करना था एडी, एडी है 12 माइनस एक्स यानी कि 12 माइनस 7, तो कितना आएगा 12 माइनस 7, 5, एडी 5 आ गया, बहुत ईजी है बच्चों। इसके बाद यहां भी एक गोला है, दो टैंजेंट है, दे इनक्लोज 60 डिग्री, और यहां पे एक लेंथ तो गिवन है एपी, यहां दो टैंजेंट है पीए और पीबी, दे इनक्लोज 60 डिग्री। तो बच्चे इसमें कौन सी वाली बात है, हम लोगों को मालूम है कि फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू टैंजेंट्स आर ऑलवेज इक्वल, यानी कि ये एपी है और ये एबी 5 होगा, तो यानी कि दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि जब साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, दिस इज थीटा दिस इज थीटा, यानी कि इनको भी 60-60 होना ही पड़ेगा ना, टोटल 180 तो चाहिए हमारे को ट्रायंगल में, दैट मींस दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, 60-60-60, 5-5 और 5, तो एबी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। सोच लो बच्चों इससे इजी क्या होता है, लॉलीपॉप में भी दिक्कत होती है चूसने में, लेकिन ये तो उससे पहले ही खत्म हो जाएगा, ठीक है, किल कर दो, चूज लो सारे क्वेश्चंस को, फाड़ डालो, फोड़ डालो एग्जाम में, ठीक है बच्चों, प्लीज मेक ए नोट। हाय बच्चों, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा सर्कल्स को कैसे डील करें, और प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ रही होगी, कॉर्ड का क्या रिलेशन है, सिकेंड का क्या रिलेशन है, टैंजेंट्स का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, ठीक है, तो बस ऐसे थोड़ा थोड़ा समझना है और 10th क्लास को बड़ा आसानी से हम पार कर लेंगे, और एटलीस्ट 95-96% तो हमारे आने ही चाहिए। प्रूव दैट द टैंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, तो हमारे को पहले डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी, डायग्राम गिवन नहीं है, एंड्स ऑफ अ कॉर्ड, आप एक काम करो कॉर्ड ले लो पहले ऐसा, इस कॉर्ड के एंड पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है ऐसा,
दिस इज पॉइंट पी, ये सेंटर, ये ए ले लो, ये बी ले लो, कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बनाएगा ये और ये वाला एंगल इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है हमारे को। तो सबसे पहले हम लोग सेंटर को ऐसे बाउंड्री से जोड़ देते हैं ऐसा, और हर एक एंगल को नाम दे देते हैं, एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री, एंगल फोर। अगर हम लोग ट्राइंगल ए ओ बी की बात करें तो यहां क्या होगा, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, क्योंकि ओ ए और ओ बी रेडियस ही है ना। When two sides of a triangle are equal, then their opposite angles are equal. अब we know that radius and tangent make enclose 90 degree. मैं लिख सकता हूं angle 1 plus angle 3 is equal to 90 degree and angle 2 plus angle 4 is also 90 degree. तो ये मैं इन दोनों की help से मैं ये लिख सकता हूं, एंगल वन प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल टू प्लस एंगल फोर। एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, दैट मीन्स दोनों कट, तो एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल फोर मिल गया मुझे। यही तो प्रूफ करना था कि ये जो कॉर्ड है वो टैंजेंट के साथ इक्वल एंगल बनाते हैं। हो गया। अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू अ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। देखो बच्चों, अगर आपको टेंथ के बाद में भी अच्छा करना है मैथ्स में, तो टेंथ की मैथ्स को तो बिल्कुल मास्टरी होनी चाहिए। ये सब कॉन्सेप्ट्स जेई में भी आ जाते हैं, कहीं कहीं मिल जाता है उसमें भी। तो आपको प्रॉब्लम जब भी आए टेंथ क्लास में, तो आप उसको अच्छे से सॉल्व करो, समझ के सॉल्व करो, क्योंकि बेसिक्स फॉर्म हो रहे हैं। ये बेसिक्स आपका अगर स्ट्रांग हो गया तो मान लो आप क्रैक कर सकते हो जेई, और बहुत इजिली क्रैक कर सकते हो जेई। टेंथ के बाद दो साल पढ़ोगे, बहुत इजिली क्रैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही है। A quadrilateral ABCD is drawn to a to circumscribed circle. Prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. बच्चे ध्यान से देखो, ये external point है, यहाँ से दो tangent जा रहा है। ये भी external point है, यहाँ से दो tangent जा रहा है। ये भी external point है, यहाँ से दो tangent जा रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? AP is equal to AS. ठीक है, equation one. और क्या लिख सकते हैं? BP, BP is equal to BQ. Question two. तो ये इसको ऐड कर दें। इन दोनों को भी लिख सकते हैं हम लोग। DS is equal to DR. या फिर CR. DS is equal to DR. Similarly, we can write CR is equal to CQ. ये भी सही। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन चारों को ऐड कर देते हैं, ऐड 1, 2, 3, 4। तो क्या होगा, AP प्लस BP प्लस BS plus CR is equal to AS plus BQ plus DR plus CQ. अब AP plus BP ये मुझे क्या देगा? AB दे देगा। DS और CR ये मुझे कुछ नहीं देगा, नहीं देगा CR। DS को मैं DR भी लिख सकता हूं। DS प्लस सी आर स्क्वेयर है, हमारे को चाहिए सी आर प्लस आर डी, सी आर प्लस आर डी। तो यहां पर डीएस प्लस सी आर है, डीएस प्लस सी आर। तो डीएस को मैं डी आर भी लिख सकता हूं, डीएस कैपिटल है डी आर। तो ये बन गया मेरा ए बी प्लस ए सी डी बन जाएगा टोटल। और यहां पर देख लो ए एस AS प्लस SD चाहिए तभी AD आएगा। तो DS DR को मैं यहां पर DS लिख सकता हूं ना, DR को मैं यहां DS लिख सकता हूं, दोनों इक्वल है। तो AS प्लस DS ये हो गया AD।
एंड बी क्यू प्लस सी क्यू ये मुझे मिल गया BC और DR प्लस RD मुझे CD मिल चुका है। बस कुछ भी नहीं करना है बच्चों, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते रहना। जो NCERT क्वेश्चन है बड़े आराम से सॉल्व हो गया, इजीली सॉल्व हो गया। प्लीज मेक ए नोट। हाँ बच्चों, यहाँ पर जो हमारे को दिया गया है सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है, तो आपको ये भी लॉलीपॉप लगेगा, थोड़ा हार्ड लॉलीपॉप हो सकता है, पर ये है लॉलीपॉप, इतना तो गारंटी है मेरी। तो बच्चों आपको ये ध्यान देना है कि प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा है, जो सीखा है, क्या यहाँ अप्लाई हो रहा है या कुछ और अप्लाई हो रहा है। मैं गारंटी देता हूँ कुछ भी और अप्लाई नहीं हो रहा है, वही हो रहा है जो आपने अभी तक सीखा है। पीक्यू इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। पीक्यू गिवन है 16 सेंटीमीटर। सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी कि PO रेडियस है 10 सेंटीमीटर। टैंजेंट्स एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट T। फाइंड द लेंथ ऑफ TP। ठीक है, दो टैंजेंट है T पे मीट कर रहे हैं, तो रेडियस ये गिवन है 10 सेंटीमीटर, PQ 16 है। तो बच्चों जब हम लोग यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये तो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा, है ना, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 8 और ये हो जाएगा 8 और ये एंगल मान लेते हैं थीटा है, तो क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल पी ओ आर। क्या लिखूंगा मैं, मुझे चाहिए टीपी। टीपी फाइंड करने के लिए मैं फाइंड कर लूंगा ओ आर, 8 सेंटीमीटर ये, ठीक है। तो मैं यहां लिख सकता हूं टैन थीटा पी आर बाय आर ओ, पी आर बाय आर ओ, पी आर 8 है, आर ओ मुझे नहीं पता, ये पाइथागोरस लगा के हम लोग आर ओ भी फाइंड कर सकते हैं। तो ट्रायंगल पी ओ आर में हमारे पास है ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस आर ओ स्क्वायर। ओ पी स्क्वायर यानी कि 100, पी आर स्क्वायर यानी कि 8 8 64 प्लस आर ओ, तो यहां जो आर ओ हो जाएगा वो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। दिस इज योर 6 सेंटीमीटर, तो यहां मैं लिख सकता हूं 8/6 यानी 4/3। अब एक और राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं यहां दोबारा ड्रॉ कर देता हूं आपकी आसानी के लिए। दिस इज योर 90 डिग्री, दिस इज योर थीटा, ये है 10 और ये हमें नहीं पता, तो यहां मैं लिख सकता हूं टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, और टेन थीटा 4/3 भी तो है, मैं यहां 4/3 भी डाल सकता हूं। पी से लेके पी तक मुझे नहीं पता, पी से लेके ओ तक, पी से लेके ओ तक 10 है, सो टीपी बाय 10 इज इक्वल टू 4/3, तो टीपी मेरे पास आ गया 40/3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो आपको घूम फिर के वही चीज करनी है, कुछ भी नया नहीं है आपको, बस आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, देन यू कैन क्रैक एनीथिंग। मेक ए नोट। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द साइड्स एबी एंड एसी। हमारे पास एक सर्कल है जो ट्रायंगल में इंक्लोज्ड है, दिस थ्री साइड्स एक्ट्स एज ए टैंजेंट। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का 2014 में आ चुका है, मैं लिख देता हूं तो क्या किया जाए, फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी। क्या ये लॉलीपॉप क्वेश्चन है? सवाल तो ये है कि लॉलीपॉप नहीं है तो क्या है,
टेंथ में तो बच्चों बहुत सारे लॉलीपॉप है, टेंथ तक जितने मजे ने पढ़ाई के वो कहीं भी नहीं है, क्योंकि सिलेबस छोटा है, पढ़ते ही खत्म हो जाता है। इलेवेंथ में जाओगे इतना मिलेगा, टेंथ में इतना है, तो जितना मजे से पढ़ना है टेंथ में पढ़ लो, इलेवेंथ में मेहनत करनी पड़ेगी। खैर इस पे आते हैं, तो हमारे को रेडियस गिवन है 4, तो अगर मैं इसे भी मिलाऊं तो ये भी रेडियस 4 होगा, ये भी रेडियस 4 हो जाएगा, और पॉइंट का नाम दे देते हैं। तो अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, ये डिस्टेंस अगर मैं x ले लूं तो ये भी तो x होगा, ठीक है, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा। तो अगर पूरा पेरीमीटर लिखा जाए ट्रायंगल का, जो हम लोगों ने एस के टर्म में पहले भी किया हुआ है, पेरीमीटर कैसे लिखते हैं, पूरे लेंथ को ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 16 प्लस 12, तो यहां से एस मिल जाएगा x प्लस 14। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोगों ने एस के टर्म में किया हुआ है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ऐसे किया हुआ है ना, एस तो पता चल गया। ए क्या होता है, बी सी का जो साइड लेंथ होता है वो ए लेते थे हम लोग, तो एस माइनस ए यानी कि एक्स प्लस 14 माइनस ए यानी कि बी सी माइनस 14, तो ये तो एक्स ही रह गया, एस माइनस बी, बी यानी कि ए सी, सो एक्स प्लस 14 माइनस 6 प्लस एक्स, ये हो गया 8। एस माइनस सी, एस माइनस सी, सी हो गया ए बी, तो एक्स प्लस 14 माइनस एक्स प्लस 8 यानी कि 6, इसको यहां डाल देते हैं। एस तो मेरे पास है एक्स प्लस 14, एस माइनस ए एक्स हो गया, एस माइनस बी 8 हो गया, एस माइनस सी 6 हो गया, ठीक है बच्चा, ये हो गया। अब क्या करें, अब तो हमारे पास कोई एंगल गिवन नहीं है, तो ये हम लोग ने ट्रायंगल निकाल, ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया है, इसको नाम दिया था इक्वेशन 1। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने के एक और फॉर्मूला है हमारे पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट तो मेरे को पता है। अगर मैं एक ट्रायंगल ये ले लूं, दूसरा ट्रायंगल ये ले लूं, तीसरा ट्रायंगल ये ले लूं, राइट, तो मैं लिख सकता हूं ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ओडी प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ओई। सो नोट करो बच्चे, ये हो गया हाफ इंटू बेस, ए बी इज द बेस, ओ इज द हाइट, प्लस हाफ इंटू ए ओ सी, ट्रायंगल की बात करेंगे तो बेस इज ए सी, हाफ ए सी इंटू हाइट ओ एफ, ये दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, यहां भी x इन्वॉल्व होगा, फिर दोनों एरिया को इक्वल कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। बेस बी सी, बी सी मेरे पास है 14, ओडी है 4, ए बी, ए बी मेरे पास है x प्लस 8, ओई है 4, ए सी, ए सी मेरे पास है x प्लस 6, और ओ एफ है 4, दिस वन। इसको और सिंपल बना लेते हैं, 28 2x प्लस 16 2x प्लस 12 4x प्लस 30 46, ये 46 आ रहा है। अब इन दोनों को इक्वल कर देते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, 48x x प्लस 14 4x प्लस 46, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, 48x इंटू x 48x इंटू 14 4x प्लस 46 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों।
यहां से हम लोग क्वाड्रेटिक मिलने वाला है, तो यहां से आप लोग 2 कॉमन ले सकते हैं बाहर, तो 4 बाहर आएगा, ये हो जाएगा 12x² प्लस 12x × 14 और ये हो जाएगा 2x प्लस 23² तो बच्चों इसको सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, 12x² प्लस 12 × 14x इज इक्वल टू 4x² प्लस 23² प्लस 4x × 23 तो यहां पे एक्स स्क्वायर है, इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा 8x², यहां भी x है, इधर भी x है, पुट दिस साइड, तो यह पे हो जाएगा प्लस x कॉमन ले लो और 4 भी कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 42 माइनस 23 प्लस सॉरी यहां पे माइनस हो जाएगा 23² इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों मुझे मिल गया 8x² प्लस 4x 42 माइनस 23 यानी कि 19 हो जाएगा माइनस 23² इस क्वाड्रेटिक को फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, तो x की वैल्यू मेरे को आएगी वो 7 आएगी। ठीक है बच्चों, अब हम यहां कुछ भी निकाल सकते हैं, यहां 7 आ गया तो ये 15 हो गया, यहां 7 डाल देंगे 13 हो गया। ठीक है, सो प्लीज बच्चों मेक ए नोट, ये थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, बस क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको आने चाहिए सॉल्व करने के लिए, नहीं तो यहां गड़बड़ हो सकता है। मेक ए नोट बच्चों, यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ है, आपको 46 की जगह यहां 56 करना पड़ेगा। ठीक है, यहां से 4 कॉमन ले सकते हैं बाहर और सिंपल आने वाला है, x प्लस 14 आने वाला है, तो यहां इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, तो खैर मैं सॉल्व पार्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूं क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है कैसे सॉल्व करना है, आप बेटर सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आपको छोड़ने नहीं है, सारे सीबीएसई वाले क्वेश्चन करने हैं, 2021 में रिवीजन के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल है, सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रिवाइज हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी और सम और सीबीएसई के क्वेश्चन ज्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो प्लीज़।